बात ग्रीन एनर्जी की करेंगे। सरकार का जोर ग्रीन एनर्जी पर लगातार बढ़ता जा रहा है और कोशिश भी यही है कि जैविक ईंधनों का इस्तेमाल कम से कम हो, लिहाजा सोलर एनर्जी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की एक रिसर्च इस मामले में लोगों की काफी मदद कर सकती है। ये रिसर्च उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कि बिजली के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए सरकार सोलर पैनल पर लोगों को सब्सिडी भी दे रही है। ग्रीन एनर्जी और सोलर पैनल पर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की एक रिसर्च सामने आई है जिसमें करीब 2 साल तक सोलर पैनल लगाने की दिशा और उसके एंगल पर अध्ययन किया गया है और रिसर्च में पाया गया है कि मार्च से लेकर अक्टूबर तक सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को इकट्ठा किया जा सकता है। इसे अगर दक्षिण दिशा में 16 डिग्री के एंगल में इंस्टॉल किया जाता है तो ज्यादा एनर्जी स्टोर की जा सकती है। अपना सोलर आउटपुट देखते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉट आवर और किलो वॉट आवर, वी एनालाइज दैट मार्च टू अक्टूबर मंथ ऑफ एन ईयर इट कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली 80% ऑफ द मैक्सिमम सोलर आउटपुट। आपका जो मैक्सिमम आउटपुट वो आएगा 80% वो इन्हीं मंथ्स के लिए आएगा। और इसके लिए हमने ये फर्दर स्टडी में हमने कंक्लूड किया कि इसके लिए जो आपका एंगल है दैट हैज टू बी 16 डिग्री इन ट्रू साउथ डायरेक्शन। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की इस रिपोर्ट के बाद ग्रीन एनर्जी को और भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जगी है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि पेक ने अपने अध्ययन में पाया है कि अगर आप सोलर पैनल्स को दक्षिण दिशा में और 16 डिग्री एंगल में इंस्टॉल करते हैं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट यानी कि सोलर एनर्जी यानी कि ऊर्जा है वो इकट्ठी होती है। उसके साथ साथ मार्च से लेकर अक्टूबर महीने तक सबसे ज्यादा 80% एनर्जी को इकट्ठा किया जा सकता है। देश में पिछले कुछ सालों में ग्रीन एनर्जी को लेकर लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है क्योंकि ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।